गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो आपका दिन शुभ हो आज आई सी की एक नोटिफिकेशन को डिस्कस करने के लिए मैं आया हूँ ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई ने किया है जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ है ना ये अनाउंसमेंट आई की तरफ से कल हुआ था ट्वेंटी जून टू और वो एग्जैक्टली exactly जो अनाउंसमेंट है वो ये है आप लोग जानते होंगे कि सी कोर्स के अंदर तीन स्टेज होते हैं एक तो सी फिर सी एस एग्जीक्यूटिव और फिर सी एस प्रोफेशनल सी एस प्रोफेशनल उसके बाद अगर आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है ना फिर आप आई सी एस आई के मेम्बरशिप के लिए अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद आप सी एस बन जाते हैं है ना अब मेरी बात को ज़रा ध्यान सुनेंगे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज जो होता है वो सी एस एग्जीक्यूटिव होता है सी एस डबल ई टी तो एंट्रेंस है कि आपको सी एस एग्जीक्यूटिव में अगर एंट्री लेना है तो पहले सी एच डब्ल टी पास करना पड़ेगा तो देखा जाए तो सी एस का मेन कोर्स कहाँ से स्टार्ट होता है सी एस एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट होता है वो सबसे टफेस्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज माना जाता है है ना अब ध्यान से सुनेंगे पहले सी एस एग्जीक्यूटिव को करने के लिए आपको सी एस डब्ल यू टी पास करना पड़ता था मतलब सी एस डब्लू टी आप पास करेंगे फिर आप सी एस एग्जीक्यूटिव में एडमिशन ले पाएंगे सी एस एग्जीक्यूटिव के एग्जाम्स को दे पाएंगे है ना लेकिन अब थोड़ा सा इसमें चेंज है और वो चेंज क्या है वो जरा ध्यान से सुनो पहले सी एस एग्जीक्यूटिव में एंट्री पाने के लिए सबको सबको का मतलब चाहे वो प्लस टू का स्टूडेंट हो प्लस टू पास्ड चाहे वो ग्रेजुएट हो चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट हो पोस्ट ग्रेजुएट हो इन सबको सी करना पड़ता था मतलब सी जो एंट्रेंस था वो सबके लिए मैंडेटरी था लेकिन अब आईसीएसआई ने बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है उन्होंने कह दिया है कि जो ग्रेजुएट हैं ग्रेजुएट भी कम से कम कितने मार्क्स एग्जैक्टली exactly? अगर आप 50 परसेंट मार्क्स कम से कम लाए हुए हैं आप अपने ग्रेजुएशन के अंदर अगर आप 50 परसेंट या उससे ज्यादा मार्क्स लेकर आए हुए हैं तो उस केस में आपको अब सी देने की जरूरत नहीं है अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो इसमें मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो भी अब आपको सी एच डब्लू टी देने की जरूरत नहीं है आप सीधा एंट्री कहाँ ले सकते हैं सी एस एग्जीक्यूटिव के अंदर आपकी डायरेक्ट एंट्री होगी इसका मतलब अगर देखा जाए तो सी एच डब्ल्यू टी अब सिर्फ किसके लिए हुआ प्लस टू पास स्टूडेंट के लिए ऐसे बच्चे जिन्होंने सिर्फ प्लस टू को पास किया है अभी अभी वो इन्होंने वो ग्रेजुएट नहीं है वो पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है है ना तो अगर सिर्फ प्लस टू की ही एग्जैक्टली exactly एग्जामिनेशन को आपने पास किया है उस केस में सी एस डब्ल्यू टी करने के बाद सी एस एग्जीक्यूटिव में आ पाएंगे लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हैं उसने फिफ्टी परसेंट मार्क्स या उससे ज़्यादा मार्क्स लेके आए हुए हैं तो उस केस में आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी कहाँ एग्जैक्टली सी एस एग्जीक्यूटिव के अंदर ये डायरेक्ट एंट्री है अब तो ग्रेजुएट के लिए डायरेक्ट एंट्री हो गई इन सी एस एग्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी क्या हो गई डायरेक्ट एंट्री हो गई इन सी एस एग्जीक्यूटिव मतलब अगर देखा जाए तो जो ग्रेजुएट हैं और पोस्ट ग्रेजुएट हैं उन दोनों को उन दोनों के लिए अब आई सी एस आई के सी एस कोर्स को करने के लिए सिर्फ दो ही स्टेज रहा सी एस एग्जीक्यूटिव और सी एस प्रोफेशनल सी एस प्रोफेशनल इनको सी एच डब्ल ई टी करने की जरूरत नहीं है लेकिन यह है कि ग्रेजुएशन में आपको कम से कम 50 परसेंट या उससे ज़्यादा मार्क्स आए हों तभी आपको यह एग्जैम्शन मिलेगा है ना अच्छा वो क्या सीधा सी एस एग्जीक्यूटिव में एडमिशन ले सकते हैं एडमिशन ले सकते हैं पर सी एस डब्ल ई टी चूँकि उनके लिए एक्जेंप्ट हो गया तो एक बार एक, उनको एक एग्जैम्पन फीस देना पड़ेगा छोटा मोटा और कुछ नहीं लेकिन सी एच डब्ल ई टी के एग्जाम से बच जाएंगे जल्दी से सी एस एग्जीक्यूटिव के अंदर उनका एडमिशन हो जाएगा जल्दी से वो एग्जाम्स दे पाएंगे और बहुत जल्दी से वो सी एस बन पाएंगे है ना अब मैं लाइन बाय लाइन वो नोटिफिकेशन आई का पढ़ा देता हूँ जहाँ से मैं ये बात कह रहा था है ना तो देखिए आई की तरफ से नोटिफिकेशन हुआ है और उन्होंने साफ साफ लैंग्वेज में लिखा है ग्रांटिंग एग्जेपन टू द ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट तो देखिए दो को एग्जैक्टली एग्जम्पन exactly दिया गया है एक तो ग्रेजुएट्स को और दूसरा पोस्ट ग्रेजुएट्स को किस चीज़ से एग्जैम्पन दिया गया है कि उनको अब सी एस डब्ल ई टी में एपियर होने की ज़रूरत नहीं है वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं किसमें सीएस सी एस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में तो वो सीधा डायरेक्ट एंट्री पाएंगे सी एस एग्जीक्यूटिव में उनको सी एच डब्ल्यू टी देने की जरूरत नहीं है जो बच्चे ग्रेजुएट नहीं समझ पा रहे हैं जो बी कॉम करते हैं बी ए करते हैं बी एस सी करते हैं वही है ग्रेजुएट है ना पोस्ट ग्रेजुएट मतलब जो एम कॉम करते हैं एमएससी करते हैं एम ए करते हैं है ना तो अगर आप ग्रेजुएट हैं मतलब आपका ग्रेजुएशन लेवल पास हो चुका है आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं मास्टर डिग्री आपके पास है तो उस केस में अब आपको सी एच डब्ल्यू टी करने की जरूरत नहीं है सीधा सी एस एग्जीक्यूटिव से आप सी एस का कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं अब देखिए आगे नोटिफिकेशन में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है टर्म्स कंडीशन ये है कि ग्रेजुएट को एग्जामेश तब मिलेगा जब उन्होंने ग्रेजुएशन में कम से कम कितने मार्क्स लाए हों 50 परसेंट या 50 परसेंट से ज़्यादा मतलब 50 परसेंट है तो भी चलेगा लेकिन 49.99 परसेंट तक आप अलाउड नहीं हैं उस केस में तो आपको सी देना पड़ जाएगा लेकिन अगर 50 परसेंट आप मार्क्स लेके आए हुए हैं ग्रेजुएशन के अंदर तो आप आराम से सी को स्किप कर सकते हैं सीधा सी एस एग्जीक्यूटिव से सी कोर्स की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं है ना बस आपको एक बार आई को सी एग्जीक्यूटिव के एडमिशन के वक्त एक छोटा सा एग्जम्शन फीस देना पड़ेगा पर सी .E का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है है ना उसके बाद फिफ्टी परसेंट मार्क्स लाए हो चाहे किसी भी डिसिप्लिन में आर्ट्स से हो कॉमर्स से हो साइंस से हो सबके लिए है ये पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप किसी भी डिसिप्लिन में हैं किसी भी रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी से हैं इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट के लिए कोई मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है तो उस केस में एग्जैक्टली आप एग्जम्प होंगे तो ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट दोनों को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है है ना और मैंने बोला अगर आपको एग्जामेशन चाहिए तो अब सारे के सारे बच्चे एग्जामेशन लेना ही चाहेंगे जो ग्रेजुएट होंगे पोस्ट ग्रेजुएट होंगे तो कुछ नहीं बस आपको एक छोटा सा एग्जामेशन फीस जमा करना होगा आई में और आपकी डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी सी एस एग्जीक्यूटिव के अंदर और ये जो पूरा का पूरा फैसला है ये जो अनाउंसमेंट है ये इफेक्टिव हुआ है बीस 20 जून दो से मतलब बीस 20 जून दो हज़ार या उसके बाद जो बच्चे अब एडमिशन लेंगे उनको ये फैसिलिटी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी है ना तो ये ट्वेंटी थर्ड जून को आई सी एस आई तरफ से नोटिफिकेशन था अनाउंसमेंट था जो मैंने आपको बता दिया और मेरा मानना ये बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है है ना कम से कम जो ग्रेजुएट्स हैं या पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं उनका अब टाइम बचेगा है ना अब वो जल्दी से सीधा सी एस एग्जीक्यूटिव में एंट्री ले पाएंगे और जल्द से जल्द सी का कोर्स कम्प्लीट करके सी बन पाएंगे है ना तो यही एग्जैक्टली exactly मुझे बताना था आप लोगों को ये खुशखबरी अब ये खुशखबरी अगर आप पे अपलिकेबल होती है तो आप इसका फ़ायदा लीजिए बाकी अपने दोस्तों को अपने जो जूनियर्स जो अब सी एस के अंदर एंट्री ले रहे हैं अगर वो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो उनको जरूर एडवाइस कीजिए ठीक है तो आज के सेशन में यहीं तक फिर मिलूंगा अगले सेशन में और जब तक मैं ना मिलूं दुआ में याद रखिएगा खुश रहें आप खुश रहें आपका परिवार और कोरोना से बचिए